हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड पीकेजी। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th कॉमर्स के अकाउंटेंसी के बारे में। दोस्तों, आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, पहला एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा रोल ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, आज दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, मेरा एट्रीब्यूट्स क्या होता है अकाउंटिंग का और रोल क्या होता है अकाउंटिंग का। तो चलिए दोस्तों, एट्रीब्यूट्स पहले बताते हैं। तो पहला है मेरा एट्रीब्यूट्स। दोस्तों, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, तो हम आपको बता दें कि पहला मेरा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स दोस्तों विश्वास। मेरा विश्वास क्या होता है अपने बिजनेस पे। हमको एक बहुत बड़ा विश्वास जमाना होता है अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिना विश्वास के मेरा बिजनेस चल नहीं सकता। इसलिए मेरा पहला दोस्तों है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कि हम एक दूसरे पे विश्वास करें, अपने विश्वासता से अपने बिजनेस को चलाएं। दूसरा पॉइंट है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब दोस्तों संबंध, एक दूसरे से संबंध ऐसा बनाए कि मेरा बिजनेस अच्छी तरीके से चल सके और आगे बढ़ सके। बिना संबंध के अगर हम संबंध नहीं बनाएंगे, तो एक दूसरे से जब अनबन रहेगा तो मेरा बिजनेस सही तरीके से नहीं चल पाएगा और जो वर्कर्स होंगे वो अच्छे से काम नहीं करना चाहेंगे। अगला है थर्ड पॉइंट जो मेरा है वो अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स अगर सिंपल में समझें तो किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को जानना, अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड मीन्स हम अपने बिजनेस के बारे में जानें, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, आगे बढ़ रहा है या नहीं। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब यही होता है। हम आपको सारा पॉइंट दोस्तों ब्रीफली बता रहे हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और अगला है मेरा कंपेयरेबिलिटी। कंपेयरेबिलिटी मीन्स एक दूसरे की कंपनी से कंपेयर करें अपने बिजनेस को कि मेरा बिजनेस कैसा है, उससे आगे है या उससे पीछे है। कंपेयर करें पिछले साल से कि मेरा बिजनेस पिछले साल से इस साल में प्रॉफिट में आया है या लॉस में आया है। यह हुआ दोस्तों कंपेयरेबिलिटी। अब आगे जानेंगे जो लास्ट पॉइंट है मेरा, फैक्टफुल प्रेजेंटेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, फैक्टफुल प्रेजेंटेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब दोस्तों, हमको अपने बिजनेस को ट्रूली चलाना होता है, एकदम ट्रू वे से चलाना होता है, एकदम अच्छे से चलाना होता है, जिससे कि हम उसमें झूठ ना बोलें दोस्तों, एकदम अच्छे से चलाएं, कोई गलतियां ना करें, जहां तक हो सके वहां तक अच्छे से करें। यही होता है दोस्तों फैक्टफुलनेस प्रेजेंटेशन। आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एकदम ट्रू वे में अगर प्रेजेंट करते हैं तो आपका बिजनेस और आगे बढ़ता है। अब दोस्तों हम आगे बताएंगे आपको रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। चलिए जानते हैं कि रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। दोस्तों, अब मेरा सेकेंड पॉइंट है रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब दोस्तों कि मेरा अकाउंटिंग का रोल क्या होता है, क्या उसका संबंध होता है, क्या वो करता है मेरे अकाउंटिंग सिस्टम में, मेरे बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल होता है। तो हम जानते हैं कि मेरा बिजनेस का अकाउंटिंग में बहुत बड़ा रोल होता है, उसे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखे हैं, तो चलिए आपको हम बताते हैं। मेरा पहला पॉइंट है रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स। रोल ऑफ लैंग्वेज, भाषा, हम क्या बातचीत करते हैं, किस वे में करते हैं, किस लैंग्वेज में करते हैं, ये मेरा फर्स्ट था दोस्तों, जो फर्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ अकाउंटिंग का वो यही है। अगला पॉइंट है मेरा रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मीन्स कि मेरा हिस्टोरिकल मीन्स ओरिजिनल हो गया दोस्तों, एक तरह से ओरिजिनल ओरिजिनल रिकॉर्ड हम रखें एक, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखें और ओरिजिनल रिकॉर्ड रखें कि मेरा पिछले ईयर में या फिर इस ईयर में आज तक के डेट में क्या क्या मेरा हुआ है, क्या बाइंग सेलिंग ऑल थिंग क्या हुआ है मेरा। यही होता है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। एंड ओरिजिनल वे में, क्या ओरिजिनल वे में हम कर सकते हैं कि नहीं, ओरिजिनल वे में हमको करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है मेरा रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए एक ये अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। वो प्रॉफिट को, मेरे एक एक प्रॉफिट को डिटरमाइन कर देता है, बता देता है कि मेरा अकाउंटिंग सिस्टम में क्या मेरा प्रॉफिट हुआ है। अकाउंटिंग सिस्टम मेरा ये बताता है कि मेरे बिजनेस में मेरा क्या प्रॉफिट हुआ है या फिर मेरा क्या लॉस हुआ है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, क्या नेट प्रॉफिट हुआ, क्या नेट लॉस हुआ है, यह हर एक चीज़ मेरा अकाउंटिंग सिस्टम बताता है।
अगला पॉइंट दोस्तों मेरा जो है फोर्थ पॉइंट, वो हम जान लें कि रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। मेरे फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अकाउंटिंग का रोल फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन को हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन से ये जान लेते हैं कि मेरा बिजनेस कैसा था, कैसा चल रहा है, कहाँ हम फाइनेंस किए थे, कहाँ पे हम पे कर रहे हैं, किससे हम पैसा लिए थे, किसको दे रहे हैं, या फिर किसको हम अपना स्टॉक या फिर अपना एसेट्स किसको दे रहे हैं, हमको मिल रहा है या कि नहीं मिल रहा है, ये सब जानने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अकाउंटिंग में। और अकाउंटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है फाइनेंशियल पोजीशन में और बिजनेस में। आगे जाने दोस्तों, जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारा बहुत बड़ा रोल होता है अकाउंटिंग का बिजनेस में। इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन मेरा अकाउंटिंग सिस्टम से पता चल जाता है कि मेरा अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, कहाँ है, इंफॉर्मेशन मेरे बिजनेस का क्या है, कि कैसा चल रहा है मेरा बिजनेस, मेरे बिजनेस में कितने वर्कर्स हैं, कितने मैनेजमेंट हैं, क्या मैनेजमेंट चल रहा है, क्या फैसिलिटी है, यह सब चीज़ जानने के लिए दोस्तों इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग को बताता है और अकाउंटिंग मेरे बिजनेस को बताता है कि मेरा बिजनेस कैसा है। जो मेरा लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का रोल क्या होता है, मेरे बिजनेस में कौन कौन काम कर रहा है, हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन किसको किसको हम ले रहे हैं अपने बिजनेस में बिजनेस करने के लिए, या फिर किसकी हेल्प ले रहे हैं, वो होता है दोस्तों रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। कौन मेरे बिजनेस में काम कर रहा है, वो होता है रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अब अगले दिन आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। और दोस्तों अगर कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे हम आपको उसकी रिप्लाई दे सकें।